Hey guys, welcome back to my channel. I am Dipali and you are watching Dipali Frames. I hope you are all doing good. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको सॉरी कहना चाहूँगी बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद बड़ी वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ. कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से बड़ी वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही थी. एंड थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए. लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सबके साथ होम रेमेडीज शेयर करती हूँ हेयर से रिलेटेड और आपकी स्किन से रिलेटेड. अपना अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो सब भी आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, मेकअप टिप शेयर करती हूँ. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आगे की जो वीडियोस मैं आपको अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबसे मिस ना हो सके. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स में एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना ताकि उनके लिए भी ये वीडियोस यूज़फुल हो सके. तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे. तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉनसून का सीज़न. यानी कि मॉनसून का सीज़न जब आता है तो हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश होती है, सब जगह हरा हरा सा नज़र आता है. बट कहीं ना कहीं जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि जो मॉनसून का सीज़न होता है उसमें पसीने के साथ साथ चिपचिपापन भी होता है, और जिससे हमारी स्किन बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, डेड स्किन वगैरह हमारे चेहरे पे नज़र आने लग जाता है. ऐसे में मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ 6 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्रोइंग बना सकते हैं. तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं अपने टिप नंबर 1 पर. तो टिप नंबर 1 है हमारा स्क्रब. हफ्ते में हमें 1 से 2 बार स्क्रब करना चाहिए, क्योंकि मॉनसून के सीज़न में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, पसीना होता है, गंदगी होती है, उससे हमारे जो फेस का जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और जो डेड स्किन है वो क्लियर नज़र आने लग जाती है. ऐसे में कॉफ़ी और शुगर का जो स्क्रब है वो हमारे फेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ऐसे सीज़न में. तो हमें कॉफ़ी लेनी है और थोड़ी सी शुगर लेनी है, उसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेना है और फिर उससे शुगर में इन दोनों से हमने स्क्रब करना है. स्क्रब करने के बाद और फिर अपना फेस नॉर्मल तरीके से वॉश कर लीजिए. तो ये था हमारा टिप नंबर 1. अब आते हैं टिप नंबर 2 में. तो हमारा जो टिप नंबर 2 है वो है टोनर. टोनर हमारे फेस को फ्रेश करता है, हमारे चेहरे पे नमी लाता है. इसके लिए आपने सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जब आपका जो रूटीन है फेस को वॉश करने का, तो वॉश करने के बाद में टोनर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए. अगर टोनर नहीं है तो डोंट वरी, हम जो रोज़ वाटर आता है उसे एज ए टोनर अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे. टोनर चेहरे के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट बनाता है. अप्लाई करने से हमारे फेस के रूखेपन और बेजान त्वचा को बचाने में मदद करता है और हमारे फेस को मॉइस्चराइज रखता है. अब बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 3 की. टिप नंबर 3 है विटामिन सी का सीरम. हमें अपने फेस पे सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले अपने फेस और नेक दोनों में अच्छे से अप्लाई करना चाहिए. विटामिन सी चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत में निखार आता है, हमारे चेहरे में जो बेजान त्वचा होती है उसे चेहरा ग्लोइंग और खूबसूरत नज़र आता है. विटामिन सी हमारे फेस की गहराई तक जाता है और हमारे चेहरे को फ्रेश बनाने में मदद करता है. अब बढ़ते हैं हमारा टिप नंबर 4 की तरफ. टिप नंबर 4 है हमारा सनस्क्रीन. सनस्क्रीन मैंने आपको बताया था हमें अपने फेस पे समर की सीज़न में तो अप्लाई करना ही चाहिए, साथ साथ हमें जो हमारा ये जो चल रहा है मॉनसून का सीज़न, इसमें भी अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई करें. और जो हमारा टिप नंबर 5 है वो बहुत ही सिंपल है, सिंपल नहीं है, हम लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो है मेकअप से दूरी बनाकर रखना. क्योंकि मॉनसून सीज़न में आप सबको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि पसीना आता है, चिपचिपा हो जाता है फेस. अगर हम ऐसे में अपने फेस पे मेकअप अप्लाई करते हैं तो मेकअप से जो गंदगी होती है वो ज़्यादा हमारे फेस पे नज़र आने लग जाएगी. इसलिए कोशिश करिएगा कि मॉनसून के सीज़न में मेकअप से दूरी बना कर रखिए, अवॉइड करिए. हाँ, बाई चांस कहीं जाना पड़ जाता है या फिर कोई शादी या फंक्शंस वगैरह अटेंड करना होता है तो वहाँ तो हमें करना ही है, बट अगर हम घर पे अगर रह रहे तो उस तरीके नॉर्मल तरीके से रहिए, सिर्फ अपने फेस को मॉइस्चराइज करिए या फिर सनस्क्रीन वगैरह लगा कर रखिए और मेकअप को अवॉइड करिए. अब हम बढ़ते हैं अपने मेन 6 पॉइंट पे. जो हमारा टिप नंबर 6 है वो है फेस पैक. तो फेस पैक है जो हमारा मॉनसून के सीज़न में हमें क्ले फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए. क्ले फेस पैक का मेरा मतलब है मुल्तानी मिट्टी से. मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए बहुत ही नेचुरल फेस पैक है. इसे अपने फेस पे लगाने से हमारे फेस के जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव होती है, डार्क सर्कल रिमूव होता है और नेचुरल है ये मुल्तानी मिट्टी, आप सबको पता है. कोशिश करिए कि मार्केट
मार्केट से जो हम मुल्तानी मिट्टी लेके आ रहे हैं उसमें कुछ जो छोटे छोटे से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड होने चाहिए, जैसे कि गुलाब जल या फिर सैंडल पाउडर। और अगर नहीं है तो सिंपल भी मुल्तानी मिट्टी चल सकती है, इसे अपने फेस पे अप्लाई करिए। और आप जो मैं आपको टिप मैंने बताई है, अगर आप इस सीज़न में इस सबको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए नेक्स्ट सीज़न में आपकी जो स्किन है वो काफ़ी रिलैक्स और हेल्दी आपको नज़र आएगी। तो ये थी हमारे कुछ 6 स्टेप जिसे फॉलो करके हम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा, मुझे सपोर्ट करेगा। तो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी सेहत का और अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।